हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आयस सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें जो लाइनें लिखी हैं, ये आपकी लाइफ में डायरेक्टली आप लिंक कर पाएंगे, और अगर आप इसे समझेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। बोला गया है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम ज़रूरी है। मतलब लाइफ में आप जो भी कुछ करें, लाइफ में मतलब जो भी कुछ आप करते हैं उसमें आप देखेंगे, मान लीजिए कुछ भी लाइफ में आपको बड़ा करना है, कुछ भी बड़ा कोई गोल सेट किया है आपको, उसे अचीव करना है, जब तक आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपना पहला कदम नहीं उठाते, तब तक यू आर ऑलवेज फार फ्रॉम इट। आप देखेंगे, लेट्स से कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, मतलब सबसे पहले आप सिलेबस नहीं देखेंगे, उसके बाद आप उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नहीं देखेंगे, उसके बाद कैसे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपको ये ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी है। अच्छे अच्छे जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी नहीं समझेंगे, तब कैसे आपको हर चीज़, आपको ये मतलब यूट्यूब आपको ऐसी एक ताकत देता है कि आप हर कुछ, हर वो चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, बस आपके अंदर एक विल होनी चाहिए। तो यही चीज़ बोली गई कि आपको पहला कदम बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप पहला कदम उठा देंगे या बढ़ा देंगे, तो फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती चली जा रही हैं। आप काफ़ी से अच्छे से अपने आप को अगर मोटिवेट रख पाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो आप इजीली अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स। इसके बाद अब आप दे देता हूं आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 2,46,23,158 केस निकल के टोटल आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो 8,35,597 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में जान चली गई है। उसके बाद अगर आप रिकवर्ड केसेस की बात करें तो लगभग 1,70,91,228 रिकवर्ड केसेस आ चुके हैं। उसके बाद जो टोटल जो केसेस अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे टॉप पे, तो टॉप पे है यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर इंडिया, फिर चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू। अब पेरू आपने देखा होगा, पेरू जो है अभी तक छठे नंबर पे हुआ करता था, लेकिन पेरू अब उठ के पाँचवें नंबर पे आ गया है। तो आप इंडिया के अगर थोड़ा सा केसेस डिटेल्ड वे में देखेंगे तो इंडिया में आप देखेंगे तो 33,84,575 टोटल केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे अब तक इंडिया में लगभग 61,694 लोग अपनी कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। उसके टॉप के स्टेट्स अगर देखेंगे तो टॉप पे महाराष्ट्र बना हुआ है, दूसरे पे है तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे कर्नाटक और पांचवें पे उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली ने कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना एक कंट्रोल दिखाया है। कहीं ना कहीं पहले दूसरे नंबर पे सबसे स्टार्टिंग में केरला हुआ करता था, वो हटा, यहां से नीचे चला गया, उसके बाद फिर दिल्ली आ गया, दिल्ली भी अब नीचे जा चुका है। तो अब जो स्टेट्स ऊपर जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स को भी ऐसे ही कंट्रोल करना होगा कोरोना को। महाराष्ट्र ने अपनी स्थिति वहीं यथास्थिति बरकरार रखी है, और महाराष्ट्र अपने जो कोरोना पेशेंट्स हैं, कोरोना वायरस है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आप आइडिया रख सकते हैं। चलता हूं एडिटोरियल की तरफ। तो ये रही आज की लेक्चर इंडेक्स। इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक्स इसमें मैंने आपको इंडेक्स में बता रखे हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात की जा रही है, फिर ब्रिक्स कोऑपरेशन की बात की जा रही है, फिर वाइल्ड पोलियो, फिर जो NRA जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में बात करी जाएगी, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज़ करी जाती है, और 2020 की जो ये रिलीज़ करी है इसमें अगर टॉप एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस स्कोर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टॉप पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा। अगर आप देखेंगे EPI, जिसे आप एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बोलते हैं, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करती है उन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को, जिससे कि जो गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस है पॉलिसीज़ को रेगुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उस बारे में कैसे सरकार हमारे एक्सपोर्ट को प्रॉपर तरीके से आगे ले जाना चाहती है, ले जाएगी, या फिर कैसे अच्छी पॉलिसी बनाएगी, यही सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ जो EPI है इसमें चार मेन पिलर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद इनको अगर आप देखेंगे कि टू रियलाइज इंडियन इकोनॉमीज पोटेंशियल टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग, अगर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टर बनना है, बड़ा एक्सपोर्टर बनना है, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है इसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। जो भी इसके जो
प्रोज हैं उनको कैसे और अच्छे लेवल पे ले जाया जाए, जो कॉन्स हैं, जो इनकी जो इल इफेक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और उसको हमारे देश को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाया जाए। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो है, ये जो डेटा है, ये इट इज़ अ डेटा ड्रिवन एफर्ट टू आइडेंटिफाई कोर एरियाज़। कोर एरियाज़ को इसमें बेसिकली जज किया जाता है और देखा जाता है कि जो क्रूशल एक्सपोर्ट प्रमोशन है सब नेशनल लेवल पर वो कैसे किया जा रहा है। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 किसके द्वारा रिलीज़ करी गई, तो आप डायरेक्ट बताइएगा नीति आयोग के द्वारा। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिक्स कोऑपरेशन की। अगर थोड़ा सा ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये है ब्राज़ील, बी उसके बाद आर फॉर रशिया, ये आपका रशिया हो गया, उसके बाद आई फॉर इंडिया, ये इंडिया हो गया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। पूरे वर्ल्ड मैप में आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट कोई इंस्टीट्यूशनल कोई बॉडी आप रिफ़र करें, कोई इंटरनेशनल बॉडी रिफ़र करें, तो वहाँ पे ज़रूर रेफ़र कर लीजिए कि कहाँ पे किसका एक हेड ऑफिस है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो ये हो गया ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में। अब अगर आपको बात करी जाए तो इसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के, उन्होंने अभी डिस्कस किए हैं अलग अलग तरीके जिससे कि बूस्ट किया जा सके कोऑपरेशन जो एरियाज़ हैं, जैसे कि 5G, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो हाई लेवल टेक्नोलॉजी है इसको कैसे एक बूस्ट करा जा सके, कैसे इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके लोगों की वेलबींग के लिए यूज़ किया जा सके, ये सारी बात करी गई है। इस मीटिंग में जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया ऑन कोऑपरेशन इन न्यू इंडस्ट्रीज जैसे कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल इंटरनेट अमंग ब्रिक्स कंट्रीज़। ब्रिक्स कंट्रीज़ इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगी इस बारे में बात की जा रही है। चाइना ने बोला है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनसे ये जो है एक अपना एक कोऑपरेशन करेंगी, अपना कोऑपरेट करके चलेंगी जिससे कि स्ट्रेंथन किया जा सके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशली आप देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब जो है काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही हैं और आने वाले टाइम में अगर इसको अच्छे से ले कर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आम लोगों की लाइफ है और उसमें बहुत ही कमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी पे बहुत तेज़ी से हुआवे कंपनी काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा एक फोकस किया जा रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर जो है उसको हटा के उसको रीप्लेस किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, जिसलिए इंडिया में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और अगर आप देखेंगे इसमें जो इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे कि प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो 5G, AI और डिजिटल इकोनॉमी है इससे इंश्योर कराया जा सकेगा। चाइना जो है ये कंसीडर कर रहा है कि जो ब्रिक्स का इनोवेशन बेस है वो चाइना के अंदर है और अगर जो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना है तो इसके लिए प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं ब्रिक्स कोऑपरेशन से रिलेटेड, आप आइडिया रखिएगा इस बारे में। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ बात की जा रही है वाइल्ड पोलियो की। वाइल्ड पोलियो आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है टाइम टू टाइम। अफ्रीका को भी बोला गया है कि अफ्रीका को डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब यहाँ पर कोई भी वाइल्ड पोलियो का केस नहीं है। अफ्रीकन रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन के द्वारा, ARCC के द्वारा, पोलियो जो है यूजुअली इफेक्ट करता है जो बच्चे हैं, जो 5 साल के या उससे छोटे बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में एक बार पोलियो घुस गया तो फिर वो एक इररिवर्सिबल पैरालिसिस प्रोसेस होती है, मतलब एक बार अगर पोलियो हो गया तो फिर वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है, डेथ भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रीदिंग मसल्स होती हैं जो जिससे आप सांस लेते हैं, थोरैक्स हो गया, उसके लंग्स हो गई, जो मसल्स होती हैं जिनसे आप बोल पाते हैं, सांस ले पाते हैं, वो सारी मसल्स जो है वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिस वजह से कई बार जान तक चली जाती है बच्चों की। इसमें आप देखेंगे जो अब ये बीमारी जो है वाइल्ड पोलियो की सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो पूछ लिया जाएगा कि अफ्रीका से तो अभी ये बीमारी को डिक्लेयर फ्री कर दिया गया है, कोई भी वहाँ पे इसका पेशेंट नहीं है वाइल्ड पोलियो का, लेकिन और किन दो देशों में अभी ये पोलियो के पेशेंट नज़र आते हैं, तो दैट इज़ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। आप देखेंगे इसका कोई भी जो पोलियो है इसका कोई भी क्योर नहीं, मतलब इसके लिए कोई दवा नहीं है। आप अगर किसी को एक बार पोलियो हो जाता है तो उसको दवा दे के नहीं ठीक कर सकते, लेकिन पोलियो वैक्सीन अगर आप लगा दें किसी बच्चे को पैदा होने के बाद में कंटिन्यूसली 5 साल तक, तो उसको पोलियो ना होने की जो एक संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको ज़्यादातर केसेस यही होते हैं कि उनको पोलियो नहीं होता है। तो इस बारे में आप आइडिया रखिएगा वाइल्ड पोलियो के बारे में। चलता हूँ अगली न्यूज़ के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है, थोड़ा सा ये एक दोस्तों गलत हो गया है मेरे से, यहाँ पे कॉमन NRA और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जगह ये वाइल्ड पोलियो टाइप हो गया, प्लीज़ आप इसको माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा एरर हो गई है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया कि वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएगी, जिसका एम होगा कि वो रिक्रूटमेंट करे जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए जॉब्स जो हैं वो सारी के लिए जो प्रोसेस है। फेज़ 1 में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स का, उसके बाद मेन्स का। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी जो एक कठिन परिस्थिति होती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, अलग अलग जो एसएससी है, आईबीपीएस है या फिर दूसरी एजेंसीज़ हैं। तो अब कॉमन एक एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को ग्रुप बी और सी के, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए बेसिकली ये टेस्ट होगा। इसके जो एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस इसमें निकल के आएंगे, क्योंकि जो बर्डन है, बर्डन जो है कैंडिडेट्स का इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए, वो कम होता हुआ नज़र आएगा। जो अवॉइडेबल और रेपिटेटिव एक्सपेंडिचर, जो बार बार पैसा खर्च होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, वो खर्चा बचेगा। एक बार मान लीजिए टेस्ट दे दिया बच्चे ने, तो 3 साल तक वो मेंस का एग्ज़ाम देता रहे अगर वो इसमें प्री में क्वालिफाई कर गया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, जिससे कि कैंडिडेट्स जो रिमोट और लोकेटेड जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, जो बिल्कुल दूरदर्शी, जो बहुत दूर के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं होता है, वहाँ पे भी अगर ये सब जो बच्चे होंगे वो भी एग्ज़ाम इजीली दे पाएंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर होगा किसी भी कैंडिडेट का, ये वैलिड होगा 3 सालों के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और फिर उसके बाद वो बच्चा जो मेंस का एग्ज़ाम है, वो 3 साल तक सिर्फ उसी एग्ज़ाम के बेस पे दे सकता है। तो ये आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आप थोड़ा इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, अब अगली बार से गलती नहीं होगी। इसके बाद आप देखेंगे इससे हेल्प मिलेगी जो कैंडिडेट्स हैं जो बार बार अपना समय, पैसा और फीस खर्च करते हैं कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बचाया जा सकेगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी 3 लेवल पर, जो कि ग्रेजुएट्स के लिए होगा, हायर सेकेंडरी के लिए होगा और मैट्रिकुलेट मतलब 10th क्लास कैंडिडेट्स जो हैं, 10th पास कैंडिडेट्स सभी के लिए होगा, 10th 12th और ग्रेजुएट्स के लिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो उसके लिए जो रिक्रूटमेंट होगा वो अलग अलग एग्ज़ाम्स के द्वारा होगा। जैसे मेंस का एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे आईबीपीएस का, तो उसमें मेंस में एक कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स इंग्लिश पूछी जाती है, साथ में ही थोड़ा सा जीएस का सेक्शन होता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे सॉरी एसएससी का, एसएससी में ऐसे राइटिंग वगैरह आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंश्योर करी जाएंगी कि ये देने के बाद जो प्रॉपर जो भी एजेंट, जो भी मतलब डिपार्टमेंट से, वहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन के बाद भेजा जाए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा ये अवेलेबल होगा अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिससे कि बच्चों को और जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को अलग एक मतलब सुविधा रहे। मान लीजिए कोई लेट से कि बिहार में रहता है, उसे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, भोजपुरी आती है, अगर भोजपुरी में ही उससे एग्ज़ाम में के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएगा और ज़्यादा अच्छे से उसको आंसर कर पाएगा। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि लोकल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद कॉमन एलिजिबिलिटी जो स्कोर्स होंगे ये बेसिकली 3 मेजर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा यूज़ किए जाएंगे, आईबीपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट एजेंसीज़। ये सारी चीज़ें जो हैं इसे अडॉप्ट करके फिर एग्ज़ाम फ्यूचर दूसरे जो मेंस वगैरह होंगे उनको कंडक्ट कराया जाएगा। लॉन्ग रन पे देखेंगे तो सीईटी का जो स्कोर होगा वो शेयर किया जाएगा अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर तक में इसको यूज़ किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है दोस्तों? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैं अगर आपको बताऊं, जैसे ये सेंटर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट्स इसके अंदर में आते हैं। तो जो जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं जो स्टेट्स के साथ जो रिलेशन होता है अक्सर वो कहीं ना कहीं एक आप देखेंगे अगर सेंटर पे मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट है और यहाँ पे इस स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट है, या फिर यहाँ पे दोनों एक जैसी गवर्नमेंट है, लेट्स से कि बीजेपी भी यहाँ पे सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, यहाँ पे सेंटर में बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस है, यहाँ बीजेपी, यहाँ बीजेपी, यहाँ पे कांग्रेस, तो जिन स्टेट्स में सेम गवर्नमेंट होती है वहाँ पे तो अच्छा रिलेशन एक देखने को मिलता है। लेकिन वहीं जिन स्टेट्स में दूसरी गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो रिलेशन है वो अच्छा नज़र नहीं आता है, जिस वजह से कई बार अलग अलग एजेंसियां जो स्टेट की जो एजेंसीज होती हैं वो सेंटर की बात को नहीं मानती हैं और वो एक अपना अलग नियम लेके चलती हैं, जिस वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉलो होता हुआ नहीं नज़र आता। फिर यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स के, मार्केटिंग रिफॉर्म्स के बारे में। इसके बारे में आपको बताएं तो गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं नए जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जिसमें बात करी जा रही है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इनको हटाया जाएगा।
एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा जिससे कि इंटर स्टेट ट्रेड को इंश्योर किया जा सके, ऑर्डिनेंस से लाया जाएगा जिससे कि प्रमोट किया जा सके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप देखेंगे तो लेट्स से कि एक ये किसी के किसान का एक खेत है और ये कोई बिजनेसमैन है, उसने इस किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप इस खेत में जो भी, मान लीजिए आपसे बोल दिया कि आप इसमें मशरूम उगाइए, इसमें उसने मशरूम उगाने की बात की कि आप इसमें इसमें मशरूम उगाइए और मैं आपको इस मशरूम के उगाने के लिए आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, और 2 लाख रुपए दे के अच्छे से पूरे किसान ने मेहनत करी, उसके बाद जो इससे मान लो 2 लाख रुपए लगाने के बाद जितना भी मशरूम हुआ उसने बोला कि अब ये आप मुझे दे दो, तो ये जब आप देखेंगे कि ये इसे मिल जाएगा बिजनेसमैन को, तो ये अब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इसे भी कुछ कमाना है, तो ये अगर इससे 50,000 या 1 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट करता है तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि एक बार पैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसके बाद आप उससे फिर कितना भी कमाइए फिर उसका किसान का उससे हित जुड़ा नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा ही होगा क्योंकि किसान अपने मनमाने ढंग से पैसे ले सकते हैं और उसके बाद जो बिजनेसमैन है वो अपने हिसाब से मार्केट में वो चीज़ को बेच सकते हैं। तो ये आप इसमें आइडिया रखिएगा। इसमें आप देखेंगे ये जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं इनमें इनमें ये पोटेंशियल है कि वो इंडियन एग्रीकल्चर को पूरी तरीके ट्रांसफॉर्म कर दें, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कायदे से अगर एड्रेस किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस से अच्छे से जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है वो होते हुए और नज़र आएंगे, किसानों की बेहतरी के लिए काम होता हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे किन चीज़ों में जो काम करने की ज़रूरत है, सबसे पहले इनकंसिस्टेंट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से, आप देखेंगे कई बार ऐसे जो टाइम टू टाइम जो एग्रीकल्चर चेंजेस, एग्रीकल्चर अमेंडमेंट्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं जिससे कि जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइंस है, पर्टिकुलर जो इश्यूज़ हैं, जो किसानों के जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं कई बार एड्रेस नहीं हो पाते हैं। ई नैम की अगर आप बात करेंगे, ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर जो मॉनिटरिंग है, इसमें आप देखेंगे कि जो मार्केट बेस्ड मैकेनिज़म है इसमें जो एफिशिएंसी है, जिसमें आप देखेंगे कई बार किसानों को जो सही दाम नहीं मिलते हैं उनकी लागत का, मतलब लागत का भी पूरा एक, जैसे 100 रुपये उन्होंने लगाए तो 100 रुपये भी नहीं निकलते हैं, उनको घाटे तक में बेचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाए कि कैसे ये सारी चीज़ें ना हो, किसानों की जो इनकम को डबल करने की सरकार बात करती है उन सब चीज़ों में काम होना चाहिए। स्टेट्स को चाहिए कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को टाइम टू टाइम एक उसके अंदर अमेंडमेंट करते रहे जिससे कि जो एक स्टैग्नेंसी आ जाती है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद सिंगल लाइसेंस होना चाहिए अक्रॉस स्टेट, पूरे स्टेट में एक सिंगल लाइसेंस होना चाहिए जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग करी जा सके। एक सिंगल पॉइंट लेवी होनी चाहिए मार्केट फी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग होनी चाहिए सारी मार्केट्स के लिए। उसके बाद सेवरल स्टेट्स जो होते हैं, कई सारे स्टेट्स वो APMC अमेंडमेंट्स को नहीं मानते। और जो ई नैम है इसमें आप देखेंगे ये प्रूफ टू बी फार लेस इफेक्टिव दैन डिज़ायर्ड। इसको बोला जाता है कि ई नैम को जो एक जिस लेवल पे उसे काम करना चाहिए वो काम नहीं करती हुई नज़र आती। PM आशा जो कि स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इसे हटा लिया गया था, बाद में रिवर्ट कर लिया गया था। पब्लिक पॉलिसी टू पब्लिक पॉलिसी सपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन स्टेट्स फॉर्मुलेटेड 2 मॉडल एक्ट्स एंड नॉट एनी स्टेट्स हैव अडॉप्टेड। किसी भी स्टेट ने जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं, इनको अडैप्ट नहीं किया है। पुअर परफॉर्मेंस जो रही है PM आशा की, इसकी वजह से, और जो गवर्नमेंट ने फोर्स किया है कि वो PM किसान को लॉन्च करे जिससे कि डायरेक्ट किसानों का बेनिफिट किया जा सके, डायरेक्ट कैश दे के, वो सब चीज़ें बात करी जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें दो सरकार बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बना तो देती है लेकिन इन पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में ही सबसे असल चीज़ छुपी होती है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि आप पॉलिसी कोई ख़राब भी बनाए जिसमें थोड़ा भी, मतलब 2% भी फ़ायदा हो रहा है अगर किसी गरीब को, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना, अच्छे से उस पॉलिसी का लोगों को फ़ायदा मिल जाता है तो वो बोला जाता है कि ये पॉलिसी अच्छी है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा, बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट या ह्यूज बेनिफिट प्रोवाइड कराएं गरीबों को, बल्कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो पेनिट्रेट करे ग्रास रूट लेवल पे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अच्छे से काम करें कि गरीबों को के लिए जो पॉलिसीज आ रही हैं उनको वो पैसा मिले, वो सुविधाएं मिले। जैसे आप PM किसान में ही देख लीजिए, जो साल भर में 6,000 देने की बात की जा रही है किसानों, कितने सारे भी ऐसे किसान होंगे जिनके अभी तक खाते ही नहीं है, जिनके अभी तक उनके अकाउंट ही नहीं है, जिनको इसका फ़ायदा ही नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी पॉलिसी का क्या फ़ायदा।
यही सारी चीज़ें यहाँ पे बात करी जा रही है। इसमें बात अब करी जा रही है कि जो बेटर कोऑर्डिनेशन, कि कैसे जो स्टेट और सेंटर के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि प्रॉपरली जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सेंटर चाहिए कि सेंटर को प्रॉपरली जो स्टेट्स के साथ एक अपना रिलेशन है वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कंसल्टेटिव और कंसिलेटरी अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि मिनिमाइज़ किया जा सके फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सो सेंटर और स्टेट्स का इतना ज़्यादा इसीलिए फोर्स किया जा रहा है कि सेंटर और स्टेट के अगर रिलेशन अच्छे होंगे, सेंटर और स्टेट में आपस में एक वॉइस कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो ये सारे जो फ्लॉज हैं, ये सारे जो इश्यूज हैं, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे और जो किसानों के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आसानी से अच्छे से एड्रेस किए जा सकेंगे। एब्सेंस और फेलियर ऑफ क्रेडिट एट इंश्योरेंस, जो क्रेडिट है, मतलब जैसे आपने देखा होगा किसान अपनी फसल बोता है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, बाढ़ में उसकी फसल खराब हो गई, बह गई, या फिर किसान ने अपनी फसल लगाने के बाद सूखा पड़ गया तो उसकी फसल खराब हो गई, तो उसके लिए प्रॉपर इंश्योरेंस जो है वो इंश्योर करना चाहिए। बहुत मिनिमम एक ब्याज दर पे, बहुत मिनिमम अमाउंट में उनको किसानों की जो फसल है उसको इंश्योर करना चाहिए। हालांकि कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है इम्प्लीमेंटेशन की। जब तक ये हर किसान के पास इंश्योरेंस का जो एक अवेलेबिलिटी है वो नहीं मिलती, तब तक उन्हें फ़ायदा कैसे होगा। मार्केट्स में लीड फार्मर्स डिपेंड अपॉन देयर लोकल इनपुट डीलर और मिडिल मैन बिटवीन फार्मर सीड्स, फार्मर नीड्स। उसके बाद देखेंगे फार्मर मे नॉट बेनिफिट दिस एंड सो देयर इज़ अ नीड टू डेवलप फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज़। किसानों को ज़रूरत के हिसाब से उनको पैसा दिया जाए, उनको लोन के माध्यम से पैसा दिया जाए जिससे कि उन्हें खाद खरीदनी है या फिर उन्हें अपने खेत में सिंचाई करनी है, जिस भी ज़रूरत के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत हो वो पैसा उन्हें टाइम टू टाइम मिलना चाहिए और ईजिली मतलब एफर्टलेसली मिलना चाहिए, जिससे कि किसान जो हमारे देश के लोगों को फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी एक व्यथा को समझना चाहिए सरकार को कि इतना वो इतना कुछ झेलते हैं उसके बाद भी हमारे लिए लगातार लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रिफॉर्म्स अगर करे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। GS2 का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल जस्टिस का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो विजन है वो बेसिकली उसमें आप देखेंगे, इसमें मेकिंग इंडिया एन एजुकेशन पावर हाउस, इसमें इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक पावर हाउस बनाने की बात की जा रही है। इसमें लिबरलाइजेशन रेगुलेशन की बात की जा रही है। इसके बाद इसमें आप देखेंगे इन्वाइटिंग ट्रूली फिलैंथ्रोफिक कंट्रीब्यूशंस की बात की जा रही है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है, गवर्नमेंट जो खर्च करती है एजुकेशन पे उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। जो हमारा एजुकेशन के लिए GDP का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी जो ज़्यादा कम देखने को मिलता है उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ये है, बहुत बोला जा रहा है कि इसे रिवोल्यूशनाइज, मतलब ये पूरी तरीके से एक बदल देगी हमारे एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को और जो रिसर्च पावर हाउसेज हैं उनको। लिबरलाइजेशन जो है ये ट्रांसफॉर्म, इसने लिबरलाइजेशन जो प्राइवेटाइजेशन जिसे आप LPG रिफॉर्म बोलते हैं, जो मनमोहन जी के द्वारा लाए गए थे जिससे कि इंडिया की इकॉनमी जो है वो वर्ल्ड मार्केट के लिए खोल दी गई थी 1992-91 के आसपास। तो इसमें इसी की तरह बोला जा रहा है कि लिबरलाइजेशन ने हमारी इंडियन जो इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफॉर्म किया है, साथ ही जो नॉन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं किया जिस लेवल पे सोचा जा रहा था कि ये इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे जो आज भी हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, या विदेशी बच्चे आप देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में हमारे देश में पढ़ने आते हैं। बहुत जो गरीब देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या फिर बांग्लादेश, आप देखिए वहाँ से तो पढ़ने आते हैं, लेकिन जो हमारे देश के बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और उसके बाद इंग्लैंड जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग देश जाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि लिबरलाइजेशन को अच्छे से करना चाहिए जिससे कि हमारे देश के बच्चे जो है वो तो वहाँ जाए, साथ में दूसरे देश के बच्चे वो भी इंडिया में खूब ज़्यादा मात्रा में आके पढ़ाई करें, ज़्यादा एक उनका आएंगे तो इंडिया को रेवेन्यू के मामले में और काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अनलाइक इंडस्ट्रीज़ जो है कि आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ जो है ये जो टॉप पे रहती हैं, इसमें आप देखेंगे टॉप फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेकिंग डिफिकल्ट फॉर न्यू यूनिवर्सिटी टू डिस्प्लेस द टॉप परफॉर्मिंग अर्न्स। मतलब जो आपने देखा होगा जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक बार अगर टॉप पे पहुंच गई, जैसे IIT, मान लीजिए IIT खड़गपुर है, अगर ये टॉप पे है तो इनका जो इवैल्यूएशन है वो जल्दी जल्दी नहीं होता, जिस वजह से मान लीजिए एक बार इवैल्यूएशन हो गया टॉप पे पहुंच गई तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो है जब तक री इवैल्यूएट नहीं करते इसे तब तक वो यूनिवर्सिटी टॉप पे नहीं पहुंच सकती। तो इसको बोला जा रहा है कि हर एक साल या 6 महीने में इसे इवैल्यूएट किया जाए और उसके बाद यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस पे उसे टॉप पोजिशन दी जा सके।
जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें आप देखेंगे, अनलाइक इंडस्ट्रीज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर गुड रिसर्च यूनिवर्सिटीज टू स्केल अप एज दे आर ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव नेचर एंड बिकॉज दे कम्पीट ऑन क्वालिटी नॉट मार्केट शेयर। तो यही बोला जा रहा है कि इनका इनका बार बार इवेल्यूएशन इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये ह्यूमन कैपिटल जो इंटेंसिव नेचर की होती हैं, ना कि ये इनका कोई इकोनॉमी से कोई डायरेक्ट लिंक होता है। जो चीज़ें आप देखेंगे जिनमें पैसा जुड़ा हुआ है उनका तो टाइम टू टाइम इवेल्यूएशन होता रहता है, लेकिन जिन चीज़ों का ह्यूमन लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, एजुकेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ह्यूमन लाइफ पे, तो उसका कहीं ना कहीं इवेल्यूएशन एक तो कठिन हो जाता है, दूसरा जो फायदे जो एक सही है ना प्रॉफिटेबिलिटी की बात कि पैसा हर चीज़ करवाता है आप देखेंगे। सो इट्स डिफरेंट अप्रोच नीड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एंड गवर्नेंस ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज करती है कि वो रिफॉर्म करे गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो यूनिवर्सिटीज़ का है, जिससे कि आप देखेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे इलेक्टेड बाय द फैकल्टी, जो फैकल्टी के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये फैकल्टी के द्वारा एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट होकर आएंगे। तो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होंगे ये हाईली क्वालिफाइड होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्स नॉलेज होगी, कॉम्पिटेंट होंगे, डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होंगे जो एजुकेशन के लिए ही सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे लेट से फॉर एग्जाम्पल कि कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो उससे मिला हुआ है एचआरडी में, एचआरडी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहाँ पे उसका उसको एक भार मिला हुआ है कि वो वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उन सब चीज़ों पे ध्यान दे, या फिर वहाँ पे उसको जो दूसरे और जो सेक्रेटरीज़ हैं वो सब एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो अगर इन्हीं जो एजुकेशन से रिलेटेड जो जुड़े लोग हैं इन्हीं को ही पहले से, इनको पहली चीज़ तो इनको इतना वास्ट एक्सपीरियंस होता है, अपना काम करते करते अनुभव हो जाता है, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं एजुकेशन के लिए, तो उन्हीं को बोला जाएगा, अगर उन्हीं से काम करवाया जाएगा एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और उन्हीं लोगों में से चुन के अगर किसी को बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाएगा तो और अच्छे रिवोल्यूशनाइज होती हुई हमारी एजुकेशन एक इंडस्ट्री जो है वो होती हुई नज़र आएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होंगे ये रिगरस एकेडमिक प्रोसेस से होकर इनको प्रॉपर इनकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इनको चाहिए कि प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम को एक रिवाइवल चाहिए, उसके लिए इन्हें प्रॉपर हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी मतलब ये ना रह जाए, कोई लूप होल ना रह जाए कि ये चीज़ें अगर इनको प्रोवाइड कर दी जाती, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती तो वो और अच्छा परफॉर्म करते या हमारी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो और अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आती। तो उसके बाद थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देख लीजिए, आगे क्या कुछ और करना है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो हाई रिसर्च परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट्स हैं विद हाई फंडिंग, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से फंडिंग देनी चाहिए, उनको फंडिंग की कोई रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काम हो चल रहा है तो वहाँ पर फंडिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सुविधाएँ देनी चाहिए जिससे कि जो कंसिस्टेंट विद ग्रेटर कॉस्ट ऑफ रनिंग वाइल्ड यूनिवर्सिटीज़ रनिंग सच यूनिवर्सिटीज़ एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच रिसर्च, मतलब जब रिसर्च होने के बाद कोई प्रोडक्ट निकल के आता है उसको जो पेटेंट कराया जाता है उससे जो प्रॉफिट होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए अगर ऐसे अच्छे रिजल्ट चाहिए तो सरकार को प्रॉपर काम करना होगा, मेक फंडिंग कंडीशनल ऑन रिसर्च परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा कि इफेक्टिव फंड जो यूटिलाइजेशन है विल ऑल्सो हेल्प कम ओवरकम एनी इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस टू चेंज। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको ये सब बता दिया है कि कैसे सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो हमारे देश में इतना कम पैसा खर्च किया जाता है, कैसा अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनको अच्छी सुविधाएँ देंगे रहने की, खाने की, घूमने फिरने की, जो सारे अलाउंसेज हैं, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कोई टीचर होता है उसको बहुत ही एक हैंडसम सैलरी दी जाती है, हैंडसम अलाउंसेज दिए जाते हैं, हैंडसम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वैसे ही अगर आप इंडिया में भी जो बड़े बड़े जो एजुकेटर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के में, एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उनको अगर आप अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो क्यों जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और अपने जो नॉलेज है उसको यहीं पे कंज्यूम करेंगे, यहीं पे बच्चों को देंगे, तो फिर हमारे देश में अच्छा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म निकल के आएगा। यही सारी चीज़ें बात की जा रही, कैसे हमें अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चलना है। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से सारी स्लाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करनी है तो आप ये कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, जय हिंद।